गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू मैथ्स एंड योर टॉपिक इज नंबर्स। ठीक है बच्चों, आपके जो चैप्टर्स हैं, जो यूनिट है, वो क्या है? नंबर्स हैं। और नंबर्स में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना है। नंबर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं लाइक नंबर सिस्टम, इंटीजर्स, फैक्टर एंड मल्टीपल्स एंड फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, पावर एंड रूट्स। ये सब किस में आते हैं बेटा? नंबर्स में आते हैं। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें अपने इस टॉपिक में पढ़ना है। स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक से, नंबर सिस्टम से। क्लियर, आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? नंबर सिस्टम्स। तो बच्चों, नंबर सिस्टम्स को रीड करने से पहले चीज़ों को हमें क्या करना होगा? रिवाइज करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैप्टर्स में कुछ रिवीजन के अकॉर्डिंग है, तो कुछ रिवीजन हम कर लें, फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या होगा? नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पहले रिवाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिवीजन के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इन द फॉलोइंग नंबर्स। बेटा यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट नंबर है हमारा, फर्स्ट नंबर है 7, 8, 6, 5, 4, 2 and 1। तो बच्चों, इनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लैख 10 लाख। बेटा क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इन द फॉलोइंग नंबर्स। बेटा ये जो नंबर है, इसमें हमें क्या करना है, 5 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए बेटा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, सबसे पहले प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू बेटा वो वैल्यू जिस प्लेस पे वो नंबर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर किस प्लेस, कौन सा नंबर किस प्लेस पे है? इसके लिए बेटा हम लोग अपने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इनको, जब इस नंबर को रीड करते हैं तो हमें इनकी प्लेस वैल्यू पता चलती है। ठीक है, तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग ये जो नंबर की पोजीशन है वो कौन से पोजीशन पे है? वंस के, ये टेंस के, ये नंबर 100,000, फिर ये 10,000, ये लैक, और ये किस पोजीशन पे है? 10 लाख। बेटा हमें फाइंड किसकी करनी है? 5 की। इस क्वेश्चन में हमें किस नंबर की फाइंड करनी है? 5 की फाइंड करनी है। और 5 कौन से प्लेस पे है? 1, 10, 100 और 1000। ये बेटा क्या हो गया? प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू हो गई? प्लेस वैल्यू। आगे फाइंड क्या करना है हमें? फेस वैल्यू। और आगे क्या फाइंड करना है? फेस वैल्यू। क्या फाइंड करना है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होता है? तो फेस वैल्यू बेटा वो वैल्यू होती है, जैसे आपका फेस जब आप अपने मिरर में देखते हैं तो क्या जो आपके फेस में होता वही चीज़ें दिखती हैं ना। मीन्स फेस का मतलब क्या होता है, आप फेस देखते हुए फेस वॉश है ना, मतलब क्या, चेहरों को धुलने के लिए। ठीक है, मतलब क्या, जो फेस मतलब क्या होता है, चेहरा होता है। ठीक है, और अब कोई भी जैसे अब ये है तो ये नंबर्स है ना, ये ऐसे ही तो दिखेगा, ये नंबर्स मैथ्स तो नहीं दिखने लगेगा, नंबर्स ही दिखेगा ना। अगर नंबर्स दिखेगा तो हम क्या करेंगे, नंबर्स मतलब जो जैसे है वो वैसे ही देखेगा। तो 5 इस तरीके से है तो 5 कैसे दिखेगा, ऐसे ही तो दिखेगा। तो बेटा यही क्या हो गई हमारी, फेस वैल्यू हो गई। ऐसे बेटा दो क्वेश्चंस और हैं, दो क्वेश्चन हमारा है, वो कौन कौन सा है देख लीजिए। दो क्वेश्चन जो और हैं वो है 13,750, इसमें हमें 5 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड क्वेश्चन है
थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में पॉइंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पॉइंट। और पॉइंट में हमें किसकी, पॉइंट के बाद, देखिए यहाँ तो इजी था क्वेश्चन, बट यहाँ क्या है, पॉइंट लगा है, कॉमा ना लग के पॉइंट लगा, 13.750। अब बेटा पॉइंट में कैसे हम प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं? तो देखिए बेटा, पॉइंट, अगर पॉइंट के नंबर इस साइड में है, कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, तब वो तो वन टेंस होता है, तब वो तो वन टेंस होता है। बट अगर पॉइंट के राइट साइड जो नंबर हम काउंट करते हैं, वो कैसे प्लेस पे होता है, टेंथ। ये कौन से प्लेस पे है? टेंथ प्लेस पे। ये हंड्रेड प्लेस पे है, है ना, हंड्रेड। मतलब क्या, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, वन अपॉन फाइव, या यू कह सकते हैं फाइव अपॉन हंड्रेड। ये इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है बेटा। ये जो सेवन है इसको हम क्या लिखेंगे, सेवन अपॉन टेंथ, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, फाइव हंड्रेड के प्लेस पे है, ये जो हो जाएगा वो थाउजेंड के प्लेस पे हो जाएगा। मतलब इसको क्या लिखेंगे, जीरो अपॉन थाउजेंड, जीरो अपॉन थाउजेंड, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन समझ में आया ये। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, 245.587 क्या फाइंड करना है हमें, फाइव की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। बेटा इसकी फेस वैल्यू वही हो जाएगी जो ये नंबर्स है, ठीक है। अब इसमें फाइव की, एक फाइव की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, फाइव हो जाएगा, और दूसरे फाइव की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, फाइव अपॉन टेन। समझ में आई बात बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ओके, हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई 105। बेटा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मीन्स सबसे पहले हम क्या समझते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम नंबर्स को या किसी भी चीजों को क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या कर दें, इसे बांट दें, है ना, अलग अलग बांट दें। अब इस प्रॉपर्टी को में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको किस तरीके से करते हैं, तो देखिए जैसे ये 300 है, क्या है, 300 है। अभी 300 को हम क्या कर सकते हैं, या तो 300 को तोड़ दे दो पार्ट्स में, और या तो 105 को तोड़ दे दो पार्ट्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं, हम नंबर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 300 को हम ये लिख सकते हैं बेटा, 300 को लिख सकते हैं, 300 को ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दो। 105 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 5, क्या कोई प्रॉब्लम है 100 प्लस 5 को 105 लिखने में? तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी क्या करना है इसको, हमें क्या करना है, हमने 105 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हम 300 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट इसे करने की आई थिंक कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 300 में, प्लस 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में। अब देखिए 300 का 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 का 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 300 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद क्या करना है, अब 300 का जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तब आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा,
देखिए भाई 300 किसी भी नंबर से अगर 100 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे दो जीरो आगे बढ़ जाते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ठीक है, हमें और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब प्लस का साइन लगा दो क्योंकि लगा है, 300 का 5 में मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 का हम 5 में मल्टीप्लाई कर ले, 3 5 15, और दो जीरो आगे लगा दो, ये हो गया। अब देखिए बेटा इनका इनका सम कर दो, जब इनका इनका सम करेंगे तो करके देख लीजिए, ये जीरो से जीरो ऐड होगा जीरो हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो ऐड होगा जीरो हो जाएगा, 5 में जीरो ऐड होगा 5 हो जाएगा, 1 में जीरो ऐड होगा 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है 3 तो है ही है। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 1s, 10s, 100s, 1000s और 10000s, 31500। जब हमने 300 और 105 को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, क्लियर। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, 600 into 98। अब देखिए क्या करते हैं, 98 को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मतलब बांट दे दो भागों में, है ना। अब दो भागों में इसे हम कैसे बांटेंगे देख लीजिए, 600 लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 600 को हम लोग 500 प्लस 100 भी लिख लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे जितना चाहे उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दे। भाई डिस्ट्रीब्यूट में क्या करना है कि अब एक रुपए है, एक रुपए को हम 100 पैसे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, मींस एक रुपए को हम लोग 100 लोगों को दे सकते हैं, है ना। बट चलिए 98 को देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और 98 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 2, और 100 माइनस 2 क्या होता है, 98 ही तो होता है। चलिए अब हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो गया, ठीक है, क्या करना है, 600 का 100 में मल्टीप्लाई कर लो, बताया था हमने, जब 600 का 100 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का साइन लगा दीजिए, 600 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 का 100 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा देख लीजिए, ठीक है, 1s, 10s, 100s, 10000, मतलब क्या 60000, और 60000 600 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अब ये 1200 है, ये 60000 है, 60000 में से आप 1200 को माइनस कर दीजिए, है ना, इस जीरो से जीरो को माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा, इस जीरो से जीरो को माइनस करेंगे जीरो आएगा, यहाँ जीरो है यहाँ पे टू है, जीरो से टू तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, क्या करेंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, अब यहाँ पे 9 और 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, अभी क्या बचा है यहाँ पे 5 बचा, क्या बचा 5, 5 ही तो बचा, एक मिनट, 0 0 10 माइनस 2 8, एक मिनट, एक मिनट, 0 से 0 माइनस किया 0 हो गया, 0 से 0 माइनस किया 0 हो गया, इस 0 से 2 को माइनस करेंगे तो 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 1 8, और ये 5, है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अभी देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये इजी है, इसको आप लोग कर लीजिएगा SW में, है ना, 4000 है और क्या है मल्टीप्लाइड बाई 99 है, ये आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, ये आपको होमवर्क में करना है, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि 65 into 7 प्लस 65 into 3
बेटा देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है ना, यहाँ 65 इंटू 7 है, यहाँ 65 इंटू 3। क्या करना है, नंबर को हमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस तरीके से हम नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है यहाँ पे 65 इंटू 7, अब हम किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बेटा। आंसर हमारा सही होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो सही होनी चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए बस। चलिए कर लेते हैं भाई, 65 है, 65 को हम 60 प्लस 5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी 60 प्लस 5 लिखने में, 60 प्लस 5 है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे हम किससे, 7 से, 65 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से, फिर यहाँ पे भी बेटा 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं प्लस साइन लगा दिया, 65 को क्या लिख सकते हैं 60 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, बोलिए बताइए। अब देखिए 60 प्लस 5 यहाँ भी है, 60 प्लस 5 यहाँ भी है, ये 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो चलिए क्या करते हैं 7 से एक बार 60 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो चलिए 60 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 5 है ना, मीन्स 5 लिख लो या 7 लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, 5 इंटू 7 फिर प्लस का साइन, 60 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बच्चों अब क्या सॉल्व करना है, 60 से 7 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 420 प्लस 5 से 7 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 35 प्लस 60 से 3 के मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 6 3 18 मतलब क्या हो जाएगा ये 180 प्लस 3 से 5 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 3 5 15। बस क्या करना है, सम करना है 35 का 15 में ऐड कर लो, 35 और 15 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, बोलिए 420 में 180 ऐड कर दो 600 हो जाएगा, बोलिए 420 में 180 को ऐड कर दो 80 500 600, और 600 प्लस 50 क्या हो जाएगा 650। तो बेटा ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, हमने नंबर्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 996 into 96, क्वेश्चन में नोट कर दे रहा हूँ, करना आप लोगों को होमवर्क में, क्लियर बच्चों। चलिए जो क्वेश्चन है क्या है, 996 मल्टीप्लाइड बाय 96, देखते हैं बच्चे किस तरीके से इन सब क्वेश्चन को आप लोग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मींस नेक्स्ट प्लस 996, बहुत ही इजी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, इनटू 4। बेटा इन्हें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ करना है, होमवर्क में करना है, 2 बजे से पहले क्वेश्चंस को करके सबमिट करना है, क्लियर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब नंबर को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, जो हमारे पास नंबर्स हैं वो हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है -8, फिर माइनस का साइन लगा हुआ है, +3 ठीक है, फिर +1,
प्लस माइनस का वन है, ठीक है, फिर माइनस का साइन लगा हुआ है और फिर अंडर ब्रैकेट माइनस 15। देखिए बेटा सिंपलीफाई हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमको ये मालूम होता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो आई थिंक बच्चे आप लोग इन चीज़ों को नहीं जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो आगे चैप्टर्स में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों को करना है ना। तो ठीक है, अभी रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के लिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको देख लीजिए क्या होगा। देखिए बेटा कैसे करते हैं, माइनस 8 है ना, माइनस 8 है, रहन दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखिए ये जो प्लस 3 है और ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, आउट ऑफ ब्रैकेट माइनस है। और कभी भी बेटा अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मींस अब ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। बेटा प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस 1 ही कर देंगे, माइनस है प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ भी बेटा देखिए माइनस है और अंदर भी माइनस है, बाहर माइनस है ना और अंदर भी माइनस। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना है, देखिए माइनस 8 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11, माइनस 1 नोट कर दीजिए, प्लस 15, माइनस 11 माइनस 1 माइनस का 12 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 12 और प्लस का 15। अब देखिए बेटा क्वेश्चन यहां पे समझिए, माइनस 12 प्लस 15 क्या होगा, माइनस होगा और माइनस क्या होगा, माइनस 12 प्लस 15। अब ये साइन नहीं माइनस का आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, प्लस है। देखते हैं अच्छा साइन हम कैसे लगाते हैं, ये देख के लगाते हैं कि जो हमारा ये साइड का जो डिजिट है वो बिगेस्ट है या स्मॉलेस्ट है। तो 12 बेटा 15 से स्मॉलेस्ट है, 15 क्या है, बिगेस्ट है, इसलिए जो हमारा साइन लगेगा वो प्लस का लगेगा, बट जो ऑपरेशन करेंगे वो हम माइनस करेंगे और माइनस हमारा प्लस, माइनस प्लस माइनस 12 माइनस 15 करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और आंसर हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्लियर बेटा, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हमने करा दिया है, और सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन प्लस 6 अंडर ब्रैकेट प्लस 6 माइनस अंडर ब्रैकेट माइनस 6 प्लस अंडर ब्रैकेट प्लस 6 नेक्स्ट माइनस अंडर ब्रैकेट प्लस 6 अंडर ब्रैकेट प्लस 6। तो बेटा बहुत ही इजी है, ब्रैकेट ओपन करना बहुत ही आराम से, माइनस है साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस है साइन कन्वर्ट होगा, माइनस है अंदर में प्लस है बेटा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन इजी है इसलिए इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमसे क्वेरी कर लेना, बता देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 21/27 डिवाइड बाई 3 प्लस 8/9।
एट अपॉन नाइन। बेटा क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। यहाँ भी हमें क्या करना है, देखिए अभी तक जो नंबर था वो फ्रैक्शन में नहीं थे, अब जो हमारा जो नंबर आया है बेटा वो किस में आया है, फ्रैक्शन में आया है। तो फ्रैक्शंस के जो सम होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इससे पहले क्लास सिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा। क्लास सेवन में हम लोग बस क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं। इसमें हमें ये पता चलेगा क्या चीज़ें हमें आती हैं क्या नहीं आती है ना। जो नहीं आती हैं उन चीज़ों को हम आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों से क्वेरी कर लीजिएगा, बता देंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका मल्टीप्लाई का साइन है। आप लोगों को आता होगा ऑपरेशंस करना, नहीं आता है फिर भी हम बता देंगे, बट क्या करना है, अगर आप लोगों को ऑपरेशन करना आता है तो ये बहुत ही ईजी है। बट यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे थ्री है, सिंपल है, आप लोग सेवेंथ क्लास में हो तो इतना तो आता होगा। क्या करें, चाहे तो हम यहाँ पे एक वन डिनोमिनेटर में वन लगा देते तब सॉल्व करें, या डायरेक्टली कर दें, नाइन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नाइन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस एट कर देते हैं, नाइन थ्री जा 27, और 27 में जब हम लोग एट करते हैं, 27 में प्लस एट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 में एट प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बताइए क्या होगा, 35 होगा। और 35 अपॉन 9, डिवाइड का साइन लगा दो, ठीक है। फिर क्या करना है, सिंपल है, यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, और 3 9 जा 27, 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, और 9 का 1 में मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है बेटा, यही तो होगा। तो चलिए देखते हैं, डिवाइड का साइन हटा दीजिए, डिवाइड का साइन हटा दीजिए और नोट कर लीजिए, 3 अपॉन 9, डिवाइड का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, और ये नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9 अपॉन 35। और बेटा इस 9 से इस 9 को कट कर दो, ठीक है, वन टाइम में ही होगा, वन टाइम में ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, और ये क्या आ जाएगा, 35। तो यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। हमने क्या किया, चाहते तो हम इनका इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इनका इनका मल्टीप्लाई करते हैं, बट अगर हमें आ रहा है तो क्यों मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्टली हम क्या कर दें, कट कर दें, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 से 9 27 में डिवाइड किया, 3 9 जा 27, डिवाइड का साइन था 9 3 जा 27, प्लस 8 35 अपॉन 9 हो गया, ठीक है, डिवाइड का साइन लगा दिया। अभी डिवाइड का साइन हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, जब हम नंबर क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 35 अपॉन 9 था, 9 अपॉन 35 कर दिए, क्वेश्चन और इजी हो गया, 9 से 9 को कट कर दिया, 3 अपॉन 35, ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आप लोगों को होमवर्क में करना है, और वो क्वेश्चन क्या है जरा देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन है आपका 2 ऑफ, क्या है क्वेश्चन, 2 ऑफ 3 अपॉन 6 डिवाइड बाई 1 अपॉन 2 -2। देखिए क्वेश्चन इजी है, अगर नहीं कर सकते हैं बच्चे तो क्वेरी कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को बता देंगे, ठीक है। फिर भी एक बार ऐसे ही हिंट दे देते हैं, आपका साइन हटाइएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाइएगा, डिवाइड का साइन हटाइएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 -4 कर दीजिएगा, -3 आ जाएगा, है ना। तो करिएगा बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस क्वेश्चन को क्वेरी कर लीजिएगा, कुछ मेहनत आप भी करिए, है ना। तो चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे होमवर्क में, है ना। चलिए नेक्स्ट,
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा इससे पहले जो हम लोग करते थे वो नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में करते थे, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है तो इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग जानते हैं बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है, मतलब जो बिगेस्ट नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे पहले लिखेंगे और जो स्मॉलेस्ट है उसके बाद में लिखेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 3/11 कॉमा 1 है, फिर कॉमा 10/11 कॉमा 6/11 कॉमा 12/11। देखिए डिनोमिनेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, और जो नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। जब कुछ नहीं होता है डिनोमिनेटर में तो हम अपने मन से क्या बढ़ा देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। केवल इसी का डिनोमिनेटर सेम नहीं है बेटा, बाकी सब के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, कोई बात नहीं। अब यहाँ सेम है तो ठीक है, नहीं होते तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, इसी का नहीं है तो चलिए इसी के लिए हम बता देते हैं। सबका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, जितने नंबर्स हैं सबका एलसीएम लेंगे। देखिए 11 है, 1 है, 11 है, 11 है, 11 है, एलसीएम क्या आएगा 11 ही आएगा। और जब 11 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। एलसीएम हमारा क्या आ गया, 11 आ गया, 3/11 और मल्टीप्लाई कर देंगे उसी एलसीएम से, कॉमा लगाएंगे 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 11, ठीक है बेटा। फिर कॉमा लगाएंगे 10/11 मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। देखिए ये हमारी जो है तरीका है करने का क्वेश्चन को, किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, मेथड है हमारा क्वेश्चन करने को। 6/11 मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, हमने डायरेक्टली एलसीएम निकाल दिया है बेटा। अब 11 और 1 का एलसीएम जब आप निकालोगे, 1 और 11 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 11 ही तो आएगा, 1 बन जाए 1, 1 11 जाए 11, 11 बन जाए 11, है ना। तो देखिए बेटा एलसीएम क्या है, 1 × 11 एलसीएम हमारा क्या आ गया, 11 ही तो आ गया। हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, ठीक है। हमने क्या कर दिया बेटा, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6/11 कॉमा लगा दिया 12/11। बेटा आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये 11 से 11 को कट करेंगे 1 टाइम, 3 बन जाओ 3, 1 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो 11 टाइम में जाएगा, और 11 बन जाए क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा कॉमा 11 से 1 टाइम में, सॉरी 1 टाइम में तो 10 बन जाओ 10, 11 से 1 टाइम में 6 बन जाओ 6, और यहाँ भी तो 11 था, 11 से 11 1 टाइम में 12 बन जाओ 12। अब देखिए ये हमारे पास नंबर्स आ गए, और नंबर्स को क्या करना है, हमें बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। सबसे बिगेस्ट नंबर हमारे पास क्या है, 11 ही है तो 11 नोट कर दीजिए। फिर क्या है, 10 है, 10 सॉरी सबसे बिगेस्ट 12 है, क्या है 12 है, फिर 11, फिर 10, नेक्स्ट 6 और नेक्स्ट 3। तो बेटा ये क्या हो गया, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, क्वेश्चन है, चलिए नोट कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8/3 कॉमा 6/2
कॉमन सेवन अपॉन फोर, कॉमन नाइन अपॉन सेवन, कॉमन वन अपॉन फाइव। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का है और ये क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, नहीं आएगा तो वो हम आप लोगों को बताएंगे। ओके, तो ये क्या है, होमवर्क है एचडब्ल्यू। बिफोर 2 o'clock सबमिट करने हैं सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या करना है इसमें, एक बार एलसीएम ले लेना, जो एलसीएम है इससे डिवाइड करना, उसके बाद से डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है एलसीएम में, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना जैसा आप लोग करते थे पहले क्वेश्चन में, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बेटा फिर हम लोग कहाँ पे आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्राइम फैक्टर्स पे आ गए। प्राइम फैक्टर्स होता क्या है, है ना, सबसे पहले प्राइम, प्राइम मतलब बेटा पहला, कहते नहीं है प्राइम, है ना, प्राइम मतलब क्या होता है पहला, और फैक्टर्स मतलब किसी भी चीज का फैक्टर, गुणन गुणन, है ना। लाइक अगर हम बात करते हैं कि जो एप्पल है, क्या है एप्पल, है ना, क्या है एप्पल, है एप्पल अच्छे से नहीं बना है, ये क्या है हमारा एप्पल है, ये क्या हो गया एप्पल। अब इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, ऐसा फैक्टर जिसके बाद ये टूट ना सके। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में कट कर देंगे, है ना, एप्पल को अगर हमने टू पार्ट्स में कर दिया तो यही क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। अब फैक्टर हो गया, प्राइम फैक्टर वो फैक्टर बेटा जिसके बाद इसका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर है, राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 32, और 32 का प्राइम फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, और इसी से हमारा क्या हो जाता है, प्राइम फैक्टर हो जाता है। तो चलिए 32 का प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स जो हमारा प्राइम नंबर है उससे हम लोग फैक्टर करेंगे इसका, और प्राइम नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, क्लियर। फिर इसे 2 से ही करेंगे क्योंकि प्राइम नंबर हमारा 2 है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। तो बेटा हमारा जो प्राइम फैक्टर आ गया वो क्या आ गया, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ये बेटा इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताएंगे 125 का प्राइम फैक्टर आपको निकालना है। थर्ड नंबर क्वेश्चंस का आपको निकालना है 243 का, 243, है ना, ये आपको होमवर्क में निकालना है प्राइम फैक्टर। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस आपको निकालना है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, 1000 का प्राइम फैक्टर। बेटा इसमें से एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं जिसमें हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखिए 125 है, 125 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से नहीं होगा तो आप 5 से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्वेश्चन एक है हमारे पास 243, और 243 मतलब जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये हम आप लोगों को बता देते हैं 243 का, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन 243 का जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 243 को डिवाइड करने के लिए हमारा ये नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास होती है कि डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग, इफ द लास्ट डिजिट इज 02468 सो इट इज डिविजिबल बाय 2, बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट 3 की डिविजिबिलिटी रूल हमारी होती है कि इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, मतलब यहाँ पे जो डिजिट्स हैं उनका हम सम करें और वो अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो हमारा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। सो 2 प्लस 4 6,
सिक्स प्लस थ्री नाइन, नाइन क्या है थ्री से डिविजिबल है, तो मतलब ये नंबर हमारा क्या है थ्री से डिविजिबल है। तो चलिए हम थ्री से डिवाइड करते हैं और थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, जीरो टाइम सॉरी थ्री एट जा ट्वेंटी फोर और थ्री वन जा थ्री। यहाँ भी सम क्या है नाइन है, थ्री से डिवाइड होगा, थ्री टू जा सिक्स और क्या थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, थ्री थ्री जा नाइन और थ्री वन जा थ्री। तो बेटा ये जो है क्या आ गया हमारा प्राइम फैक्टर आ गया थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री और इंटू थ्री। ठीक है बेटा, तो ये आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में कंप्लीट करना है, ठीक है, सबमिट करना है टू ओ क्लॉक बिफोर टू ओ क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिक्स नंबर और सेवन नंबर, दो क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, चलिए इन दो क्वेश्चन को कंप्लीट करा देते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, है ना। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस विद विद स्मॉलर देन, ये किस चीज का साइन है बेटा स्मॉलर देन का, ये किसका है ग्रेटर देन का, और ये क्या है इज इक्वल का साइन, किसका साइन है इज इक्वल का साइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिक्स नंबर में, और सिक्स नंबर में ये हमारा क्या है स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल, इसका मींस होता है जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो स्मॉलर देन है सेकंड नंबर से, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 6.01 और यहाँ पे बॉक्स है, दूसरा क्वेश्चन क्या है 5.1, बेटा वन है आगे जीरो बढ़ा दो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे पॉइंट के लेफ्ट साइड में, पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है नंबर सिक्स है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है नंबर फाइव है, तो सबसे पहले आप यहीं से कंपेयर कर लो, और जब यहां से आप कंपेयर करते हो तो देखते हो सिक्स क्या है ग्रेटर देन है इस नंबर से, तो साइन हम क्या लगा देंगे ये लगा देंगे एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, सिक्स में वन हो गया, सेकेंड नंबर क्वेश्चन 1.201 बॉक्स है 1.021। देखिए बेटा अभी तो यहां हमने कंपेयर किया था ये ग्रेटर था और ये क्या था स्मॉलर था, बट यहां देखिए पॉइंट के लेफ्ट साइड में भी वन है पॉइंट के लेफ्ट साइड में भी वन है। अब देखिए अब हम कंपेयर करेंगे बेटा पॉइंट के राइट साइड में, और पॉइंट के राइट साइड में 201 है और यहां पर पॉइंट के राइट साइड में क्या है 021 है ना। आप बताइए बेटा कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, पॉइंट को अगर हम भूल जाए तो इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी होगी ये वाली या ये। अब देखिए जो हमारा पॉइंट के इस साइड में होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है ना। तो चलिए तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का एक छोटा सा ट्रिक भी आप देख लो या तरीका देख लो कि हम कैसे पता करेंगे, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, इसलिए देखिए यहाँ पॉइंट थ्री डिजिट से पहले है 1 2 3 1 2 3। क्या करें हम क्या कर लें जो 1.201 है इसको हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं सॉरी एक मिनट 1.1 हटा दो 201, और जब हम पॉइंट हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाता है जितने राइट साइड में नंबर्स होते हैं उतने जीरो हमारे इधर बढ़ जाते हैं 1 2 3। और अब बॉक्स है नेक्स्ट है पॉइंट हटा दो 1021 और डिनोमिनेटर में 1000 है ना, सेम है। अब तो आप कंपेयर कर सकते हो ना, यहाँ 1201 है यहाँ 1021 है, तो अब क्या उनकी बिगेस्ट है बेटा ये
बिगेस्ट है, क्लियर हो गया ना कि ये नंबर हमारा बिगेस्ट है, तो हमने ये साइन लगा दिया। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है ना। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 4.4 है और क्या है 4.40 है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा सर, ये बिगेस्ट है कि ये बिगेस्ट है, यहाँ तो 4.4 है और यहाँ पे 4.40। अच्छा एक बात बताइए बेटा, इसके इस साइड पॉइंट के इस साइड अगर हम जीरो लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसकी वैल्यू वही होती है। तो लाइक हम 4.4 को 4.40 भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये भी 4.40 होगा, ये भी 4.40 हो गया, दोनों सेम हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है बेटा, वो आपका इस अकॉर्डिंग है 0.21451 4 5 और बॉक्स नेक्स्ट क्या है 0.214। बेटा इस अकॉर्डिंग है, बस क्या करना है, डिनोमिनेटर में पॉइंट लगाना, बस यहाँ पे पॉइंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट कोई नहीं, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करिएगा, नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब इवैल्यूएट द फॉलोइंग मतलब जो हमारा नंबर है यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 3। ये जो ऊपर नंबर है बेटा वो क्या लगा है, पावर में है। इसको हम इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, 3 × 3 मीन्स कोई भी नंबर के ऊपर जितनी पावर लगी हो उसको हम लोग उतने टाइम लिख देते हैं। 3 कितने टाइम है 3 टाइम है, तो 3 टाइम लिख दिया और इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 3 9 और 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या होगा, 9 3 27। तो बेटा ये इवैल्यूएट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से होगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1 की पावर 24। देखिए बेटा यहाँ तो इजी था, ये तो छोटे छोटे नंबर्स थे हमने लिख दिया, बट यहाँ तो बिगेस्ट नंबर है 24। अब -1 है और 24, क्या करेंगे भाई इस क्वेश्चन में तो फंस गए। क्या हम -1 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे सर, ये क्वेश्चन तो नहीं समझ में आया। तो चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, बहुत ही इजी तरीका है, एक बार में ही आप आंसर इसका दे सकते हो। करना क्या है, देखिए साइन किस चीज का है, माइनस का है। अब हम देखेंगे जो पावर है वो हमारी सम में है या मीन्स क्या है, इवन है या ऑड है। जो पावर है हमारी वो इवन है या ऑड है, तो बेटा इवन है ऑड है कैसे हम लोग कंफर्म करते हैं, तो इफ द लास्ट डिजिट इज 02468 तो नंबर इज इवन, और अगर नहीं है 02468 तो, और देखिए लास्ट डिजिट 4 है इवन है, मीन्स ये नंबर हमारा क्या है, इवन है। बेटा नोट कर लीजिएगा पॉइंट को कहीं पे, कि जब भी माइनस वन है और कोई भी वो इवन से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब माइनस है और पावर अगर इवन है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस में आ जाती है, और वन का मल्टीप्लाई बेटा आप कितने भी टाइम करो तो आएगा तो आंसर वन ही ना। अब एप्पल का मल्टीप्लाई उसी एप्पल से करोगे तो आएगा तो एप्पल ही ना। जैसे एक एप्पल है और कहो एप्पल बन जा एप्पल, तो एप्पल ही तो होगा। चलिए तो -1 24 देख लीजिए, -1 है × -1 करेंगे तो -1 -1 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अभी फिर मान लीजिए -1 है × -1 है -1 है -1 -1 + 1 फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा -1, तो ऐसे करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 ना होके आंसर हमारा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर है -2 की पावर 2। अब -2 × -2 और -2 का -2 में मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन हट जाएगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 = 4।
तो बच्चों आप लोगों को क्लास कैसी लगी जरा बताइएगा हमें, कि क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है समझने में। अगर कोई कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप हमसे क्वेरी कर लीजिएगा, उन क्वेश्चंस को आपको दोबारा बता दिया जाएगा। और क्वेश्चंस को सब आप लोग सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, 2 o'clock से पहले ही सबमिट करना है। क्लियर? तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।